दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार बोर्ड इंटर व मैट्रिक परीक्षा के तृतीय डमी एडमिट कार्ड जारी, 3 दिसंबर तक संशोधन का मौका। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के तृतीय डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यदि किसी छात्र के डमी एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि मिलती है तो 3 दिसंबर 2021 तक उसमें सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। बिहार के बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड वेबसाइट secondary.biharboardonline.com से और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट senior secondary.biharboardonline.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार देगी 1100 इंजीनियरों को नौकरी, बीपीएससी या तकनीकी सेवा आयोग से होगी भर्तियां। जी हां, बड़ी खबर, बिहार सरकार देगी 1100 इंजीनियरों को नौकरी, बीपीएससी या तकनीकी सेवा आयोग से होगी भर्तियां। जी हां, पंचायती राज विभाग की विभिन्न निर्माण योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी के लिए अलग अलग अभियंत्रण संवर्ग बनाएगी। विभाग के अपने स्थायी अभियंता होंगे। इसको लेकर विभाग अभियंत्रण संवर्ग के गठन की कवायद में जुट गया है। पहले चरण में करीब 1100 इंजीनियरों के पदों की सृजन की तैयारी है। कैबिनेट से पदों की सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद इनकी नियुक्ति शुरू होगी। अभी तक विभाग का अपना अभियंत्रक संवर्ग नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग या तकनीकी सेवा आयोग से स्थायी भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। इससे पहले पंचायती राज विभाग संविदा पर इंजीनियरों की सेवा लेगा। सृजित होने वाले पदों में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिहार में इस स्कीम के तहत गरीबों को मिलेगा मुफ्त में राशन, परिवार के हर सदस्य को मिलेगा 5 किलो अनाज। जी हां, बिहार के गरीबों को लगभग 17 लाख टन अनाज फिर से मुफ्त में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दूसरी बार विस्तार कर दिया है। अब यह योजना 31 मार्च तक चलेगी। इसके पहले कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना का विस्तार क्षण तक किया गया था, लिहाजा इसी महीने तक इसकी अवधि समाप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब परिवार को, हर सदस्य को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता था, लिहाजा राज्य में हर महीने 4.35 लाख टन अनाज मुफ्त में बांटा जाता है। इसमें 2.57 लाख टन चावल और 1.74 लाख टन गेहूं होता है। लाभुकों की संख्या 8.71 करोड़ है। खास बात यह कि मुफ्त मिलने वाला यह अनाज हर महीने पीडीएस दुकानों से कोटे के अनुसार मिलने वाले राशन से अलग है। इस हिसाब से अगले 4 महीने में FCI को लगभग 17 लाख टन अतिरिक्त अनाज की व्यवस्था करनी होगी। अगली खबर, 5 दिन बाद बिहार में बढ़ेगी ठंड, पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय सहित 19 जिलों में छाया कोहरा, दिसंबर के पहले सप्ताह से तेजी से गिरेगा पारा। जी हां, पटना, भोजपुर, गया, नालंदा और बेगूसराय सहित 19 जिलों में सुबह कोहरे के साथ हो रही सामान्य दिनों की अपेक्षा धूप निकलने में लगभग 2 घंटे का समय लग जा रहा है। हालांकि धूप के बाद ठंड का एहसास खत्म हो जा रहा है, लेकिन आने वाले 5 दिनों में दिन का तापमान गिरते ही दिन में भी ठंड शुरू हो जाएगी। पश्चिमी हवाएं पहाड़ों वाले ठंड के साथ बिहार में प्रवेश करेगी, जिससे दिन और रात का तापमान प्रभावित होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से बिहार के सभी जिलों में ठंड का प्रभाव बढ़ जाएगा। अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को मिला गोल्ड, उद्योग में भी नंबर 1 बनेगा बिहार। जी हां, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार नंबर 1 बना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सजीव बिहार पवेलियन को गोल्ड पुरस्कार हासिल हुआ है। प्रगति मैदान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बिहार को गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर मोर्चे पर बिहार आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत बड़ा सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के पारंपरिक उद्योग से लेकर हर तरह के उद्योगों का स्वर्गीय विकास हो रहा है। देश के कई राज्य और दूसरे देशों को भी प्रदर्शनी के बीच गोल्ड हासिल कर नंबर 1 बनना बिहार के लिए बड़ी बात है।
अगली बड़ी खबर, बंद होगा डीजल बसों का परिचालन। सीएनजी सिटी बस खरीदने के लिए अब तक 85 लोगों ने किया आवेदन, इनमें 50 को दिसंबर में मिलेगा अनुदान। जी हां, नए साल में राजधानी में डीजल वाली सिटी बसों के परिचालन पर रोक लग जाएगी, इसीलिए डीजल वाली पुरानी बसों के परमिट पर नई सीएनजी बस चलाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही सीएनजी बस की खरीद पर लागत का 50% या अधिकतम 7.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। 85 डीजल चलित सिटी बसों के मालिकों ने 29 अक्टूबर तक आवेदन दिया है। इनमें से 50 बस मालिकों को अगले महीने पहले चरण में अनुदान मिलेगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी की पहली बैठक हो गई है। बड़ी खबर, बिहार में कई फर्जी शिक्षकों की नौकरी जाने तय, विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, बिहार के कैमूर जिला में विभिन्न नियोजन इकाइयों में हुई नियोजन प्रक्रिया में तथा छिपाकर शिक्षक बनने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे 5 नियोजित शिक्षकों को जांच के दौरान चिन्हित किया गया है, जिनकी नौकरी जानी लगभग तय है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पत्र लिखकर नियोजन इकाई से तत्काल उक्त शिक्षकों को हटाने तथा इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। अगली बड़ी खबर, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार, सीएम नीतीश ने दिया सौगात। जी हां, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनटीपीसी के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में स्टेज 2 के 500 मेगावाट क्षमता के यूनिट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में बिजली विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में काम करने के लिए पीएम व ऊर्जा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने काफी अच्छा काम किया है, कुल 110 मेगावाट की 2 इकाई जो बंद थी उसको शुरू कराने को काम किया है। अगली बड़ी खबर, यूपी और बिहार के बीच होगी 7 गांवों की अदला बदली, जाने क्यों लिया ये फैसला। जी हां, यूपी और बिहार के दर्जन भर गांव एक दूसरे की सीमा से सटे हैं, जिसमें अब बिहार और यूपी के बीच 7 गांवों की अदला बदली होगी। जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बगहा के होंगे, जबकि बगहा के 7 गांव यूपी के हो जाएंगे। इस पर सहमति बनने के बाद दोनों राज्य केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। केंद्र सरकार का अनुमोदन मिलते ही गांवों की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तिरोहत प्रमंडल के आयुक्त ने इसको लेकर डीएम कुंदन कुमार को पत्र भेजकर यूपी की सीमा से सटे बिहार के 7 गांवों का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने अपने पत्र में कहा है कि गंडक पार के पिपरासी प्रखंड का बैरी स्थान, मंजरिया खास, सिपत नगर, ननहा बसई और कतकी गांव में जाने के लिए प्रशासन के साथ ग्रामीण को यूपी को होकर आना जाना पड़ता है, जिससे यूपी के रास्ते इस गांव में जाने से प्रशासनिक परेशानी होती है। वहीं आने जाने में समय भी अधिक लगता है, इससे विकास योजनाओं के संचालन में प्रशासनिक अफसर को परेशानी होती है और जब यह गांव में प्राकृतिक आपदा आती है तो उस वक्त राहत पहुंचाने में देरी होती है, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, 29 नवंबर को पटना में महा आंदोलन करेंगे 34,000 शिक्षक अभ्यर्थी, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से है नाराज। जी हां, 29 नवंबर को पटना में शिक्षक अभ्यर्थी महा आंदोलन करेंगे, नियुक्ति में देरी से खफा अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे, यहीं से सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, जिसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षक अभ्यर्थी संघ की माने तो काउंसलिंग के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है, लगातार डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि 29 नवंबर को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पूरे बिहार से 34,000 अभ्यर्थी महा आंदोलन में शामिल होंगे। संघ की माने तो सरकार हर बार तारीख पर तारीख बढ़ा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष है। अगली बड़ी खबर, बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई की तैयारी स्कॉलरशिप स्कीम से होगी लागू। जी हां, पीएचडी और रिसर्च में पिछड़ रहे बिहार के तकनीकी शिक्षा से जुड़े मेधावी युवाओं के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले समय में सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई आरंभ करने की तैयारी है, ताकि बीटेक के बाद एमटेक और शोध के लिए विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में जाना नहीं पड़े। वर्ष 2022-23 से एमटेक और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव कसो अंतिम रूप दे दिया है और इस पर ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अनुमति ली जाएगी। बड़ी खबर, बिहार झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य, उत्तर प्रदेश टॉप 5 में शामिल,
कुपोषण के मामले में भी बिहार नंबर वन। जी हाँ, बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है, यह जानकारी नीति आयोग की रिपोर्ट से मिली है। नीति आयोग ने गरीब सूचकांक जारी किया जिसके अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार के 51.91% आबादी गरीब है, जबकि झारखंड के 42.16% आबादी गरीब है। वहीं उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या 37.89% है। गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश 36.65% गरीबों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय में गरीबों की संख्या 32.67% है। केरल की स्थिति सूचकांक में सबसे अच्छी है, जहां मात्र 0.71% आबादी गरीबी है। वहीं गोवा में 3.76%, सिक्किम में 3.42%, तमिलनाडु में 4.89% और पंजाब की आबादी का मात्र 5.59% गरीब है। आपको बता दें कि बिहार में कुपोषण के मामले देश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे, उत्तर प्रदेश चौथे और छत्तीसगढ़ पांचवें स्थान पर है। बिहार में लागू हुआ बीएच सीरीज, नई गाड़ी खरीदने वालों को ही मिलेगा इस सीरीज का नंबर। जहां राज्य कैबिनेट के निर्णय के बाद बिहार में बीएच सीरीज लागू हो गया है। परिवहन विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से आदेश में कहा गया है कि बीएच सीरीज अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी हो गया है। अब नई गाड़ी खरीदने वालों को ही बीएच सीरीज मिलेगा, लेकिन इस सीरीज को वही लोग ले सकेंगे जिनका एक राज्य से अधिक में वास्ता पड़ रहा है। मसलन केंद्र सरकार के वैसे कर्मी जिनका तबादला एक से दूसरे राज्यों में हुआ करता है। इसके साथ ही निजी कंपनी के कर्मियों में भी जिनका तबादला अधिक राज्यों में हुआ है, वे भी बीएच सीरीज ले सकेंगे। सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मी या व्यापारी, सबको बीएच सीरीज लेने के समय कागजात जमा करने होंगे, जिससे यह साबित हो सके कि उनका वास्ता एक से अधिक राज्यों में पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक से अधिक राज्यों में नौकरी या व्यवसाय करने वालों को बीएच सीरीज मिलने से सुविधा होगी। बड़ी खबर, बिहार में क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अच्छी खबर, सरकार ने दी प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी राहत। जी हां, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाइयों का सामना करने वाले आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें किसी प्रकार की नौकरी के आवेदन करने के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बनाने में अलग से जाति आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। अब सीधे क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे, इसमें सभी आवश्यक बिंदु अंकित रहेंगे। यही नहीं, इसमें उनके माता पिता के वेतन या पेंशन तथा कृषि से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के केंद्र सरकार के क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बनाने में दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं होने से संबंधित स्पष्टीकरण पूछे जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त, चयन आयोग, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को स्पष्टीकरण पत्र भेजा है। और अंत की बड़ी खबर, टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत नहीं, 2 महीने तक टमाटर के दाम नहीं घटेंगे। रिपोर्ट में ज्यादा बारिश को बताया महंगा होने की वजह। जी हां, सब्जियों की महंगाई अभी थमने वाली नहीं है, खास तौर पर टमाटर को लेकर अभी 2 महीने और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। इसकी वजह ज्यादा बारिश बताई जा रही है। कृषि रिसर्च की रिपोर्ट में सामने आया है कि टमाटर की खेती करने वाले बड़े राज्यों में से एक कर्नाटक में बारिश के कारण स्थिति इतनी खराब है कि वहां भी सब्जियों को महाराष्ट्र के नासिक से मंगाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में सामान्य से 105% ज्यादा बारिश हुई है, वहीं आंध्र प्रदेश में सामान्य से 40% और महाराष्ट्र में 22% ज्यादा बारिश हुई है। ये राज्य अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच मेन सप्लायर के रूप में सामने आए हैं। आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार राज्य में गरीबी खत्म करने के लिए बिहार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।